अब मैं आमंत्रित करती हूं अरुणा रॉय को ये सेशन को आगे बढ़ाएं। आदरणीय मिसेस गांधी और आए हुए सारे राजनीतिक दलों के सदस्यगण और यहाँ मेरे भाई बहन जो दूर दराज से इस आज दिल्ली में मुसीबत लेते हुए परेशानी लेते हुए अंदर घुसने में कितनी भी समस्या हो उसको झेल कर अंदर आए हैं, आपको सबको यहाँ हमारे तरफ से जिंदाबाद। हम आए हैं आज इस मुद्दे को लेकर कि ये जन सरोकार एक नया नाम है मगर एक पुराना एक पद्धति है कि हम लोग जन मंच करके लोगों को सवाल जवाब करने का आदत हमारा पुराना है। हम यदि राजनीतिक दलों से बात करने वाला ये या तो राजस्थान में या दिल्ली में या अन्य राज्यों में हम लोग अपने चुने हुए नेताओं से सवाल करते थे कि भाई आपने इस कार्यकाल में क्या किया और हमारे बात को रखा कि नहीं रखा। हमने सोचा था कि शायद एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बन जाएगा, उस कार्यक्रम के बारे में बात होगी, वो तो बन नहीं पाया है। दलों ने हमारे सामने ऐसे कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम नहीं रखा, तो हमने सोचा हम मिले अपने राजनेताओं के उम्मीदवारों से और उनको कहें कि हमारी क्या परिस्थिति रही है पिछले 4-5 सालों में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ जिसका आज सुबह से ब्यौरा हो रहा है, और उसके बाद हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और हम क्या चाहते हैं। बहुत सरल शब्दों में यही है कि गरीब की स्थिति और गिरी है। हम इस देश में इस दुनिया में रशिया के बाद सबसे ज्यादा अनइक्वल कंट्री, 40 साल में बुरा हाल नहीं है जितना आज है। आप कोई भी मापदंड या इंडिकेटर ले लीजिएगा, हमारा इस 4 साल में स्थिति सुधरा हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम वो 10% नहीं है जिनके हाथ में इस देश की संपत्ति 74% सारा इस देश की संपत्ति हाथ में है। वो जो 10% है वो तो खुश है, मगर हम जो बाकी लोग हैं हमारी परिस्थिति काफी गिरी हुई है। इसलिए हम आज आपके सामने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक तो संवैधानिक हकों की जिस तरीके से मौलिक अधिकार हो, बराबरी का हो, इक्वालिटी का हो या फ्रीडम का हो, जिसको खासकर हम सबने महसूस किया है, नफरत और भय के आधार पर हमें चुप करने की कोशिश की जा रही है, तो इन सब चीजों को खिलाफत करते हुए आज हम यहाँ आए हैं इस मौजूदा सरकार को कहने के लिए कि ये चलेगा नहीं बिल्कुल। और आप इस बार जन सरोकार ये चुनौती देता है कि हम अपने आप से सवाल खड़ा करें कि इस बार सोच के यार वोट ऐसे है नहीं देंगे। हम कह रहे हैं इस बार आप कहेंगे सोच के यार, इस बार जोर से, इस बार और जोर से, इस बार सोच के यार। तो सोच की हमें देना है वोट, और ये भी है कि ये वोट किस कीमत पर, कितने पैसे, दारू, लालच, किस कीमत पर, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा ये वोट बोलना पड़ेगा। जिंदगी भर हमारा वो वोट बोले तो हमारे पेट भरेगा, हमारे घर में पानी आएगा, हमारी व्यवस्था सही होगी। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं इस बार किस कीमत पर इस वोट को हम देंगे या नहीं देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में मिसेस गांधी आई हुई हैं। सोनिया जी, हमारे कुछ 4-5 सालों में अधिकार निहित कानून, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशंस का देने के एक समन्वयन कर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षा थी, जिस समय हमारे बीच में कई सारे लोगों का मौका मिला उसके बीच में बैठकर सलाह मशवरा करने। हमारे आज जो यहाँ मौजूदा 23 या 20 नेटवर्क्स हैं, उसके जो 400 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सब लोगों ने पहले भी काम किया ऐसे ही कि हम अपने सोच को लेके लोगों के बीच में रखे, राजनीति के बीच में रखे अपने काम को लागू चाहते हैं, क्योंकि उस समय के जो अधिकार निहित कानून बने, सूचना का अधिकार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा का कानून, शिक्षा का अधिकार का कानून, महिलाओं का डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून इत्यादि, और फॉरेस्ट राइट्स माने जंगलों में अधिकारों का कानून, कई सारे ऐसे पास हुए थे।
जिसके वजह से आज हम इस कितने कठिनाई में भी सांस ले पाए हैं और अपने बात को आगे रख पाए हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस काल को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि हमारे बात को सरकार सुनी और सुनने के बाद उसके लिए कुछ कानून भी बनाए। तो आज हमारे बीच में सोनिया जी आई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि हमारे बीच वो आश्वासन दें कि यदि उनकी सरकार बनी तो वापस उस किस्म का वार्ता और चर्चा रहेगा और जनता के मंशा, जनता के मुद्दे, जनता के इच्छाएं, जनता की समस्याएं और जनता के जो मन में बात है वो बीच में रहेगा कानून और सब कुछ बनने के लिए। और वैसे ये दो किताबें निकली हैं तो सब लोगों से निवेदन है कि वो लेके भी जाएं और इस जन सरोकार के ये जो मंच है उससे मैं उनको ये देना चाहती हूँ। मगर उससे पहले हम एक पंजाबी नारा निकालेंगे, साढ़े हक एथे रख कहाँ, अपने हाथों में, साढ़े हक एथे रख, है ना, अपने हाथों में है अपनी दुनिया, साडा हक एथे रख। और भाई मैं तो दक्षिणी हूँ, थोड़ा इधर उधर रह तो मान लेना, इतना तो बोल लेती हूँ। तो साडा हक एथे रख मतलब क्या है, अपने हाथ में है अपना भविष्य। हम कहाँ वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, वो हमारे हाथ में है और इसको हम लोगों को करना पड़ेगा। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। सोनिया जी, हम आपकी बात सुनना चाहेंगे।